अगर तू अपने बाप की औलाद है ना बेटा, हराम की औलाद नहीं है, तो तू खुद पढ़ना स्क्रिप्ट आके मीडिया पे कि ये कंप्लेंट है जी, तुझे पता है कंप्लेंट झूठी है। और एपी सिंह सुन, बात सुन भाई बुड्ढे, तू क्या तेरे पिछवाड़े में तो दम नहीं खुद आके तू लाइव आके बता दे कि मोमिन मलिक की ये कंप्लेंट है, तेरे पिछवाड़े में दम तो है नहीं। तू सीमा के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है, स्क्रिप्ट दिख रहा है, अगर फंसेगी सीमा जेल भुगतेगी, सीमा भुगतेगी, कार्रवाई होगी, मोमिन मलिक सीमा के खिलाफ करेगा, तू बच जाएगा। तेरे जितनी पिसाब करता हूं ये मैं तुझे बता रहा हूं, तेरा मुकाबला मोमिन मलिक है, मर्दों वाली बात कर। तेरे से तो थर्ड जेंडर उनकी भी बहुत इज्जत है, मैं तो तुझे थर्ड नस्ल भी नहीं कह सकता, क्योंकि थर्ड नस्ल के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत उनकी सोच इंसानों से भी ऊपर होती है, बहुत अच्छे होते हैं। तेरी तो औकात उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब तू बात कर रहा था कि तूने इसको स्क्रिप्ट लिख के दी मोमिन मलिक के खिलाफ, ये वो है, अरे मैं भुगतूंगा ना, मैं देख रहा हूं ना, मेरे खिलाफ तो जब इंसाफ की आप लड़ाई लड़ोगे, बिकोगे नहीं, झुकोगे नहीं, और उस गरीब इंसान को या उस अमीर इंसान को जिसके साथ जुल्म हुआ है उसको इंसाफ दिलाओगे तो दुश्मनी तो होंगी, कंप्लेंटें भी जाएंगी, FIR भी होंगी, गोलियां तक चलेंगी, तो उससे डर जाएंगे हम? अरे उससे डर जाएंगे ना, तू डरता होगा, मोमिन मलिक नहीं डरता, समझ गया। अब बात करते हैं के कंप्लेंट्स की। अब आप देखो, मैं आपको बताता हूं कि इसकी खुद की कितनी कंप्लेंट बार काउंसिल में आज तक गई है, मैंने अपनी कम्युनिटी पे भी लगाया है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। एक आप भारत में एक चर्चित मामला था, बहुत ही चर्चित मामला था एक, बेटा पंखा थोड़ा तेज कर दे, बस जो आवाज ना आए ऐसा कर दे। बाबा राम रहीम बरनावे वाले, सरसा वाले, उनको सजा हो गई थी, तो जो हनीप्रीत थी उनकी मुंह बोली बोली बेटी थी, हनीप्रीत को जब अरेस्ट किया गया तो उनको कोर्ट में पंचकुला पेश किया गया, तो हनीप्रीत की मां जो थी, क्योंकि मीडिया ने हनीप्रीत को बाबा राम रहीम के बारे में गलत आचरण दिखाया था, तो हनीप्रीत की मां ने मुझे वकील किया था और मैं हनीप्रीत की मां का वकील था, और राखी सावंत ने बहुत ज्यादा गलत बोला था, तो मैंने बेटा कम कर इसको, तो राखी सावंत ने हनीप्रीत के बारे में बहुत ज्यादा गलत बोला था, तो हनीप्रीत की मां मेरे पास चैंबर में पानीपत आई थी, उसके फादर आए थे, उसका भैया था, उसका मौसा था, मौसी थी, पूरा परिवार मेरे पास आए थे और मुझे वकील अपॉइंट करके गए थे, मैं नहीं गया उनके पास, एपी सिंह की तरह मैं नहीं, जहां हाईलाइट मसला देखो वहीं जाकर टांग अड़ा देता है, मैं नहीं गया, खुद चल के मेरे चैंबर में आए थे, मुझे साइन करके दिया, मुझे अपना वकील अपॉइंट किया, तो मैं हनीप्रीत की मां का वकील था, तो मैंने उस गंदगी को जो राखी सावंत और दूसरे अखबार लिख रहे थे उनको नोटिस देकर वो बंद कराया था, मैं उसका वकील था। तो जब हनीप्रीत को पकड़ के कोर्ट में पंचकुला पेश किया गया तो ये जनाब वहां पर पहुंचे और कहने लगे, कोर्ट में खचाखच कोर्ट भर रही थी, और जो जज साहब थे वो जज साहब हमारे पानीपत पहले पोस्टिंग रह के गए थे, तो उसके बाद वहां पोस्टिंग थी, तो वो मुझे बाई नेम भी जानते थे क्योंकि हम रोज पे कोर्ट में पेश होते थे। कह रहे मलिक साहब पीछे क्यों आ गए, आ जाओ। तो मैंने कहा सर, कह रहा आप भी हो इसके, मैंने सर मैं भी हूं, मैं इनकी मदर का वकील हूं। कह रहा ठीक है। तो एपी सिंह कहने लगा जी मैं हनीप्रीत का वकील हूं, हनीप्रीत का। तो जो डेरे के वकील थे उन्होंने विरोध किया कि सर हनीप्रीत का ये वकील नहीं है, हनीप्रीत के वकील हम हैं, डेरे के वकील है, डेरा मैनेजमेंट के वकील है। तो हनीप्रीत से जब पूछा गया कि क्या एपी सिंह आपके वकील हैं, तो हनीप्रीत ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, नहीं सर मैं तो इनको जानती नहीं, ये कौन है, मैं इनका वकील, मैं मेरे कोई वकील नहीं है। इतनी बेइज्जती कोर्ट में हुई इस बंदे की, इतनी बेइज्जती हुई, मतलब कोई और इंसान होता ना तो मैं कहता हूं शर्म के मारे वो कभी ना मीडिया के सामने आता ना दुनिया के सामने आता, लेकिन पता नहीं किस मिट्टी का बेशरम बना हुआ है कि इतनी बेइज्जती खाने के बाद भी नहीं मानना। और ये कहता ना मोमिन मलिक के खिलाफ बार काउंसिल में दिए, ये आप देखो, हनीप्रीत ने खुद
जब ये नहीं माना तो हनीप्रीत ने खुद इसके खिलाफ बार काउंसिल में कंप्लेंट दी थी और इसने पैर पकड़ के माफी मांग के अपने पंडा छुटाया था। ये देखो हनीप्रीत ने एपी सिंह के खिलाफ दी शिकायत। ये देखो ये हनीप्रीत का फोटो है, ये गूगल पे मौजूद है, इसको मैं पढ़ के सुना देता हूं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी तथा डेरा प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद सरसा और पंचकुला में हुए आरोपी हनीप्रीत उर्फ प्रियंका तनेजा ने एपी सिंह के आचरण के खिलाफ बार काउंसिल को शिकायत दी है। हनीप्रीत ने बताया कि पंचकुला में हुए दंगों में उसे गलत तौर पर आरोपी बनाया गया है। मुकदमे में वह 6 नवंबर से जमानत पर रिहा है। उसका कहना है कि उसकी सहमति के बगैर मामलों में बचाव को प्रभावित करने के लिए मीडिया और अदालतों में बयान दिए जा रहे हैं। उसने अधिवक्ता एपी सिंह द्वारा अब से पहले दिए गए बयानों को सिरे से खारिज करते हुए न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से सूचित किया है। यानी कि बिना वकील होते हुए ये मीडिया में बाइट दे रहा था, मैं हनीप्रीत का वकील हूं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उसको गलत अरेस्ट किया गया, उसको ये किया गया। तो हनीप्रीत ने इसके मुंह पे थप्पड़ मारा, थूका, पहले तो हाथ पे थूका, फिर इसके मुंह पे ऐसा मारा तमाचा खींच के एपी सिंह के इसका चश्मा दूर पड़ा जाके और इसकी नाक बाहर आ गई, सिरक बाहर आ गया इसका। ये हनीप्रीत द्वारा, ये आप कोई भी गूगल करके देख सकता है, ये हनीप्रीत द्वारा इसके खिलाफ जो है ये कंप्लेंट दी गई थी। ये डिटेल में ये लिखी हुई है, कोई भी पढ़ सकता है इसको, पढ़ो, कोई भी पढ़ सकता है इसको। मतलब बंदी का वकील नहीं, कुछ नहीं, अपना बयान दे रहा। जहां हाईलाइटेड मामला पूरे देश में बाबा राम रहीम के इसमें कुत्ता, फिर ये गया एक जो है रामपाल संत है जो करौथा में पकड़ा गया था और उसके अनुयायियों से मिला, वहां जाके जेल में मिला, सर मैं छुड़ा दूंगा। उसने सोचा भाई ठीक है छुड़ा देगा, उसने वकालतनामा दे दिया होगा इसको, उसके चक्कर में कुत्ता। फिर ये एक आसाराम बापू जी है, उससे जाके मिला वहां, जी मैं केस करूंगा, उससे जबरदस्ती टांग फंसाई, वहां कुत्ता। फिर उसके बाद ये एक कांड हुआ था हाथरस में, उसके आरोपियों में कुत्ता। मतलब देश में जितने मामले हाईलाइट होंगे वहां पर अपनी गंदी टांग ये फंसाने की कोशिश करेगा कि मैं ही वकील हूं। मतलब पूरी दुनिया में, पूरे भारत में सिर्फ एपी सिंह ही वकील है, और तो वकील है ही नहीं, अपने से काबिल किसी को समझता ही नहीं, आता जाता कुछ है नहीं इसको। जितने भी हाईलाइट मामले सब में अपनी टांग अड़ाता है, सब में। आप गूगल पे देखो जितने भी देश में हाईलाइटेड मामले हैं उन सब के अंदर जबरदस्ती टांग फंसाता है। अब इसने नीट के ऊपर बयान दिया, क्या लग रहा है भाई तू एमपी है भारत का, तू एमएलए, तू तो जिला अध्यक्ष भी नहीं है, तू है कौन भाई, तू है कौन, तू कौन है, तेरे पास क्या पद है देश का ये बता, कौन सा सरकारी पद है, कौन सा तू एमएलए है, मंत्री है, क्या चीज है तू, गवर्नर है तू देश का, तू क्या लग रहा है। मतलब जहां हाईलाइट मामले होंगे वहां ये टांग फंसाएगा, क्योंकि इंसान रोटी के बगैर रह सकता है, ये बंदा पब्लिसिटी के बगैर रह ही नहीं सकता, इसको पब्लिसिटी का कीड़ा है, पब्लिसिटी इसकी खुराक है। जब तक ये चैनलों पे ना आ जाए, यूट्यूब पे ना आ जाए, जब तक ये जो है इसको हाईलाइट ना हो जाए, मीडिया में अपना नाम ना सुन ले, इसकी टॉयलेट भी नहीं उतरती, लैटरिंग नहीं आती इसको, इसको लैटरिंग चाहे 10 दिन हो जाए तब आएगी जब इसका मीडिया में नाम आ जाएगा। ये है वो बंदा। अब हनीप्रीत ने इसके बारे में आपने देखा, इसकी बार ये मेरी कंप्लेंट की बात करता है बार काउंसिल में। हनीप्रीत ने कितना कोर्ट में जलील किया, इसकी बार काउंसिल में कंप्लेंट दी कि ये मेरे से बगैर पूछे बयान दे रहा, मेरा कोई वकील नहीं है ये। अब इसके अलावा और भी इसकी ये करता ना बात, एपी सिंह शीशों में रहने वाले दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते,